हे गाइस, मैं एकलव्य आज आपको काउजेटिव वर्ब पार्ट 11 पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर वन, मैं पत्र लिखवा सकता हूँ। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैं के अलावा इस वाक्य में पत्र एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। I may get a letter written या I may have a letter written। नंबर टू, वह यह काम करवा सकता है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट वह के अलावा यह काम एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है, इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही मे गेट दिस वर्क डन या ही मे हैव दिस वर्क डन। मे के बाद हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात मे के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। नंबर वन, मैंने पत्र लिखवाया होगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैंने के अलावा पत्र एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है, इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई मे हैव गॉट ए लेटर रिटन या आई मे हैव हैड ए लेटर रिटन। नंबर टू, उसने यह काम करवाया होगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट उसने के अलावा इसमें यह काम एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है, इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। He may have got this work done या he may have had this work done। नंबर थ्री, तुमने उसे फंसवाया होगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट तुमने के अलावा इस वाक्य में उसे एक ऐसा सर्वनाम है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। आप इस वाक्य को दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, तुमने उसको फंसवाया होगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ उसको लगा हुआ है, इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू मे हैव गॉट हिम इंट्रैप्ड या यू मे हैव हैड हिम इंट्रैप्ड। माइट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात माइट के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न देखें। नंबर वन, मैं पत्र लिखवा सकता हूँ। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैं के अलावा पत्र एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई माइट गेट ए लेटर रिटन या आई माइट हैव ए लेटर रिटन। नंबर टू, वह यह काम करवा सकता है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट वह के अलावा इस वाक्य में यह काम एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही माइट गेट दिस वर्क डन या ही माइट हैव दिस वर्क डन। माइट के बाद हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें, यानी माइट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। नंबर वन, मैं पत्र लिखवा सकता था या मैंने पत्र लिखवाया होता। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैं के अलावा इस वाक्य में पत्र एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई माइट हैव गॉट ए लेटर रिटन या आई माइट हैव हैड ए लेटर रिटन। नंबर टू, वह यह काम करवा सकता था या उसने यह काम करवाया होता। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट वह के अलावा यह काम एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही माइट हैव गॉट दिस वर्क डन या ही माइट हैव हैड दिस वर्क डन। मस्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, यानी मस्ट के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न देखें। नंबर वन, मुझे पत्र अवश्य लिखवाना चाहिए या मुझे पत्र निश्चित रूप से लिखवाना चाहिए। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मुझे के अलावा इस वाक्य में पत्र एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है, इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं।
आई मस्ट गेट ए लेटर रिटन या आई मस्ट हैव ए लेटर रिटन। नंबर टू, उसे यह काम अवश्य करवाना चाहिए या उसे यह काम निश्चित रूप से करवाना चाहिए। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट उसे के अलावा इस वाक्य में यह काम एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही मस्ट गेट दिस वर्क डन या ही मस्ट हैव दिस वर्क डन। मस्ट के बाद हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात मस्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। नंबर वन, मुझे पत्र अवश्य लिखवाना चाहिए था या मुझे पत्र निश्चित रूप से लिखवाना चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मुझे के अलावा पत्र एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई मस्ट हैव गॉट ए लेटर रिटन या आई मस्ट हैव हैड ए लेटर रिटन। नंबर टू, उसे यह काम अवश्य करवाना चाहिए था या उसे यह काम निश्चित रूप से करवाना चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट उसे के अलावा यह काम एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही मस्ट हैव गॉट दिस वर्क डन या ही मस्ट हैव हैड दिस वर्क डन। मस्ट के बाद बी प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। यहां आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैटर्न है, लेकिन इस वाक्य में देखिए मस्ट के बाद यह प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न है और यह वर्ब का चौथा रूप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। नंबर वन, मुझे पत्र अवश्य लिखवाते हुए होना चाहिए या मैं पत्र अवश्य लिखवाता रहा होऊंगा या मुझे पत्र निश्चित रूप से लिखवाते हुए होना चाहिए या मैं पत्र निश्चित रूप से लिखवाता रहा होऊंगा या मैं पत्र निश्चित रूप से लिखवाता रहा हूंगा। इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट मुझे है और उसके अलावा पत्र एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई मस्ट बी गेटिंग ए लेटर रिटन या आई मस्ट बी हैविंग ए लेटर रिटन। नंबर टू, उसे यह काम अवश्य करवाते हुए होना चाहिए या उसे यह काम निश्चित रूप से करवाते हुए होना चाहिए या वह यह काम अवश्य करवाता रहा होगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट उसे के अलावा इस वाक्य में यह काम एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही मस्ट बी गेटिंग दिस वर्क डन या ही मस्ट बी हैविंग दिस वर्क डन। मस्ट के बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। इस पैटर्न को देखकर आपको लग रहा होगा कि मस्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैटर्न है, लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ मस्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। नंबर वन, मुझे पत्र अवश्य लिखवाते हुए होना चाहिए था या मुझे पत्र निश्चित रूप से लिखवाते हुए होना चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मुझे के अलावा पत्र एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई मस्ट हैव बीन गेटिंग ए लेटर रिटन या आई मस्ट हैव बीन हैविंग ए लेटर रिटन। नंबर टू, उसे यह काम अवश्य करवाते हुए होना चाहिए था या उसे यह काम निश्चित रूप से करवाते हुए होना चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट उसे के अलावा यह काम एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही मस्ट हैव बीन गेटिंग दिस वर्क डन या ही मस्ट हैव बीन हैविंग दिस वर्क डन।